नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे फंगस, काला, सफ़ेद और अब पीला। आपने मीडिया न्यूज़ में सुना होगा, देश पर काले फंगस के बाद अब सफ़ेद और पीले का हमला। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये फंगस कोई नई चीज़ नहीं है, ये दुनिया में हमेशा से मौजूद है, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में। आपने ये देखा होगा कि अगर ब्रेड या कोई और चीज़ 3-4 दिन बाहर पड़ी रह जाए तो उस पर फफूंद, सफ़ेद कलर का डेवलप हो जाता है, इसी को ही फंगस कहते हैं। ये सभी तरह के फंगस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, यानी जब इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा, तभी ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। चाहे वो ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो, अब येलो फंगस हो, ये सभी वराइटीज़ म्यूकर माइकोसिस, कैंडिडा, एस्परजिलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकस और बहुत सारे। इस फंगस को मौका, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कब हमें इन्फेक्ट करने की? जब हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अनकंट्रोल्ड, शुगर के पेशेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो पेशेंट्स जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, ये पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, इसलिए इनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा HIV एड्स पेशेंट, कैंसर पेशेंट और अब कोविड पेशेंट्स, जो बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन्हें ऑक्सीजन चल रही है, स्टेरॉइड्स चल रहे हैं। अगर पहले बात करें ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस की, तो ये इन्फेक्शन मेनली हमारे साइनसेस, नाक, आँख और दिमाग को इन्वॉल्व करता है। कुछ रेयर केसेस में निमोनिया या अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, हमें पता चल जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट है एंटी फंगल इंजेक्शन, इंट्रावीनस एम्फोटेरिसिन बी दे सकते हैं। अब अगर बात करें सफ़ेद फंगस की, वाइट फंगस, जिसे कैंडिडा बोलते हैं, ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और बहुत पहले से चला आ रहा है। इसमें वाइट पैचेस होती हैं मुँह में, गले में, टंग पे, जीभ पे। इसके अलावा ये प्राइवेट पार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है। बहुत ही रेयर है कि अगर ये इन्फेक्शन खून में चला जाए और कैंडिडीमिया कॉज करे। तो अब बात करते हैं पीले फंगस की। इसका अभी तक एक ही केस सामने आया है, यूपी के गाज़ियाबाद में। 45 ईयर मेल, जो कोविड पॉजिटिव था, बहुत लंबे टाइम से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसे ब्लैक फंगस और वाइट फंगस है और उसके बाद उसमें येलो फंगस डिटेक्ट हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कितनी कम होगी। ये येलो फंगस बहुत ही रेयर फंगस है, जिसका पहला केस इंसानों में देखा गया। पहले ये रेप्टाइल्स, यानी जो रेंगने वाले जानवर हैं, जैसे छिपकली, इनमें पाया जाता है। ये येलो फंगस इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। इसके लक्षण हो सकते हैं बहुत ज़्यादा थकावट होना, भूख ना लगना, तेज़ी से वजन कम होना, पस होना, कोई चोट लगने पे वो जल्दी से ठीक ना होना। लेकिन इसका भी इलाज है, अगर सही टाइम पे पता चल जाए तो ये भी म्यूकर माइकोसिस की तरह इंट्रावेनस एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन से ठीक हो सकता है। ये सब कंडीशन जिनमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये उन लोगों के बारे में है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। इसलिए आम जनता को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आगे भी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।